अरे मैडम पैसे पैसे किस बात के पैसे वे? तो मैम आपने अभी पानी पिया उसके मैम पैसे। अच्छा मतलब अब पानी पिलाने के भी पैसे लेगा तू, वो भी पुलिस वाली से। वर्दी नहीं दिखाई दे रही तेरे को, अंधा हो गया क्या? मैंने साफ साफ आगे पेज भी लगा रखा है कि 5 रुपए में 1 गिलास पानी है, और मैंने आपसे पहले भी बोल रखा था कि मैम 5 रुपए का 1 गिलास पानी है। बोला था तो क्या, क्या मैं नहीं दे रही 5 रुपए? पता क्या कर लेगा, पुलिस वाली से पैसे लेगा, धूप में सड़ सड़ के तुम लोगों की सेवा करने के लिए हम ड्यूटी पे लगे रहते हैं, और तू हमें 1 गिलास पानी नहीं पिला सकता, उसके लिए भी तुझे पैसे देने अलग से। सुन मेरी बात कान खोल के, पूरा एरिया ना मेरे अंडर में आता है और यहाँ पे किसी की इतनी औकात नहीं है कि मुझसे पैसा मांग ले। आई बात समझ में? आगे से कभी मुझे पैसों के लिए रोका टोका ना, तेरा ये पूरा जो तांधाम है ना उठा के फेंकवा दूंगी मैं यहाँ पे, 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे। आई बात समझ? अरे मैडम पैसे पैसे। मैम पहले तो आप अकेले आया करते थे, तो मैंने आपसे कुछ नहीं बोला, इतने दिन से आप पानी पी रहे हो, अब आप इनको भी संग लेके आए हो। मैडम मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मुझे उनका भी पेट भरना है, और ये पानी भी मैं पैसों से लेके आता हूँ मैडम, मुझे भी पैसे देने पड़ते हैं इसके पानी के। मैम मैम इतना नुकसान मैं नहीं झेल पाऊंगा। मैम तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई किसी और के सामने मुझे पैसों के लिए टोकने की, मेरी बेइज्जती करना चाहता है। उस दिन भी मैंने समझाया था ना कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। मुझे लगता है कि तुझे सुकून की जिंदगी ना रास नहीं आ रही है, तुझे चाहिए कि तू सड़क पे दादा भटके, काम नहीं करना चाह रहा ना तू। जा अभी बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती। इल्लीगल जगह पे लगा रहे ना ये सब कुछ, इतने टाइम से कुछ बोल नहीं रही थी, अब बताती हूँ तुझे। नवीन हटाओ इसका ये सारा का सारा तीन कमरा यहाँ से। अरे साहब, अरे साहब क्या कर रहे हो? अरे साहब, अरे साहब, अरे मैडम, अरे क्या कर रहे हो मैडम? अरे मैडम, अरे मैडम क्या कर रहे हो? अरे जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? अरे इस गाड़ी में तो आग लगी हुई है, शायद इसमें बच्चा भी बैठा हुआ है, अरे इसकी जान बचानी पड़ेगी। मैडम जी वो आपकी गाड़ी में बस आग लग गई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपने मेरे भाई की जान बचा ली, पर सही वक्त पे आप मेरे भाई को बचाकर नहीं लेकर आते तो शायद आज बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। मैं आपकी गुनहगार हूँ, मैंने कितना गलत किया आपके साथ, आपकी रोजी रोटी सब तोड़ ताड़ के फेंक दिया, आपका पूरा काम धंधा चौपट कर दिया, कभी आपको पैसा नहीं दिया और इतना बेइज्जत किया, उसके साथ भी आपने मेरे भाई की जान बचाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे मैडम जी ऐसी कोई बात नहीं है, इस जगह पर अगर कोई और भी होता तो मैं यही करता, उसकी भी मैं जान बचाता। आप मुझे माफ कर दीजिए, आपको जो भी नुकसान हुआ है ना मैं सबकी भरपाई कर दूंगी, और जितना पैसा अभी तक बकाया है सब दे दूंगी, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये ठेला क्या अब मैं आपको एक दुकान खोल के दूंगी, आप आराम से चलाइएगा, आपके घर में अब कोई परेशानी नहीं आएगी। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, आपने आज मेरे भाई की जान बचाई है।